YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम दबाकर पाएं प्रमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। सुदना स्थित दिव्यांग विद्यालय में अखिल भारतीय पुरुष सैनिक सेवा परिषद से जुड़े पुरुष सैनिकों ने बाल दिवस को बड़े धूमधाम से दिव्यांग बच्चों के संग मनाया। इस मौके पर देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर पर पुरुष सैनिक परिषद के जिला महासचिव ब्रजेश कुमार शुक्ल, गणमान्य जनों और स्कूली बच्चों द्वारा माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। पंडित नेहरू के व्यक्तित्व कृतित्व की जानकारी देते हुए पुरुष सैनिकों ने बच्चों को बाल दिवस के संबंध में ढेर सारी जानकारियां दी। कहा, चाचा नेहरू को बच्चे अति प्रिय थे, जिन्हें बच्चे प्यार से चाचा कहकर संबोधित करते थे। पुरुष सैनिकों ने बच्चों को अनुशासित जीवन जीने की सीख देते हुए कहा कि हौसला यदि बुलंद हो तो कठिन से कठिन डगर भी आसान हो जाते हैं। इस मौके पर पुरुष सैनिकों ने बच्चों का भरपूर मनोरंजन करते हुए बाल दिवस की बधाई दी और भविष्य में नई ऊंचाइयां पाने के लिए ढेरों शुभकामनाएं भी दी। हम सभी पुरुष सैनिक इस दिव्यांग आवासीय विद्यालय में बाल दिवस के अवसर पर एकत्रित हैं। इसमें मुख्य रूप से हम दिव्यांग बच्चों के साथ बाल दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम चाचा नेहरू की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। चाचा नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, जो कि जिन्हें बच्चों से बहुत प्यार था, और आज उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर यह बाल दिवस का कार्यक्रम रखा गया है। हम सभी पुरुष सैनिक, हमारे सभी मित्रगण इस अवसर पर दिव्यांग बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद, स्नेह और प्यार देते हैं। जय हिंद। चाचा नेहरू के जन्मदिन के अवसर पर तमाम हमारे दिव्यांग बच्चों को एक नई प्रेरणा देना चाहता हूँ कि वह अपने हिम्मत और हौसला से जीवन में आगे बढ़ने का एक लक्ष्य निर्धारित करें और हर दिव्यांग यह सोचे कि हम किसी से कम नहीं हैं और अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए अपने जीवन में जो मायूसी छाया हुआ है उस मायूसी को दूर भगाते हुए एक नई लक्ष्य टारगेट करते हुए अपने सपनों को साकार करते हुए नई जीवन का शुरुआत करें। यही आज हम दिव्यांगों के लिए एक प्रेरणा का दिन है कि आज के दिन से सारे हमारे बच्चे इस तरह का प्रेरणा लें दिव्यांग बच्चों और एक नई जीवन की शुरुआत करें।